मुरादाबाद के मुनीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को कर रही साकार। 250 से अधिक गरीब महिलाओं को दलिया बनाने का हुनर सिखाकर कर रही आत्मनिर्भर। अगर सोच सही हो और मन में कुछ करने का जज्बा हो तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मुरादाबाद के रहने वाली महिला मुनीजा ने। अपनी हिम्मत और सही सोच की बदौलत आज एक मुकाम तो हासिल कर ही लिया है, साथ ही अन्य गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल गरीबी का दर्द झेल चुकी मुनीजा गरीब महिलाओं को टोकरी बनाने का हुनर देकर हुनरबाज बनाने का काम कर रही हैं। अब तक मुनीजा 250 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। मुनीजा कहती हैं, जिस हालात का सामना मैंने किया है ऐसे हालात और महिलाओं को ना देखने पड़े, इसको लेकर उनके द्वारा महिलाओं को काम सिखाया जा रहा है। वहीं डलिया बनाने का प्रशिक्षण लेकर अपने घर से ही काम कर रही महिलाएं भी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अब वे अपने घर में खाली समय में टोकरी डलिया बनाती हैं और कमाई करती हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में अपना योगदान कर रही हैं। शादी गाँव में हुई थी और गाँव की स्थिति आप जानते हो किस तरह की होती है। मेरी स्थिति भी बहुत ख़राब रही। मेरे हस्बैंड पुताई का काम करते थे, उससे मेरा बच्चों का खर्चा पानी या मेरा नहीं चल रहा था। फिर मैं शहर आ गई। शहर आने के बाद में मैंने बास्केट बनाना सीखी और सीखने के बाद में फिर मैंने ये अपना काम शुरू कर दिया 2015 में। लेकिन मोदी जी से मुझे प्रेरणा ये मिली, वो कहते हैं कि आत्मा निर्भर होना चाहिए और इंसान को खड़े रहना चाहिए, सोच अच्छी बनानी चाहिए। मैं करती रही चलती रही लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब मैंने ऑफिसों के चक्कर काटने शुरू कर दिए, जगह जगह गई मैं, लेकिन अब आके मुझे थोड़ा सा काम मिलना शुरू हुआ है। और मैं लेडीज़ों को सिखाती हूँ, 25 लेडीज़ों का ग्रुप बनाती हूँ मैं, उनको सिखाती भी हूँ, काम भी देती हूँ और उनको पैसे भी दिलाती हूँ मैं। बास्केट वाली तो हैं 150 महिलाएँ सर, और 100-200 महिलाएँ मेरे स्वेटर बनाती हैं, वो बनाती हैं, बैग बनाती हैं जो मेरे मार्केट में चले जाते हैं। बैग बनाती हैं, मास्क बनाती हैं, सिलाई भी करती हैं। जो भी काम आता है मैं उनको देती हूँ काम करने के लिए। जो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो भी गांव की हैं, उनके भी आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं, वो भी चाहती हैं कि हमें काम मिले और हम काम करें। आपके द्वारा अभी काम सीख के खुश हैं, इनको रोजगार मिल रहा है? हाँ खुश हैं, इनको रोज़गार मिल रहा है।